मने पीली विषय की पूरा पीणता ई पीणता घने पीणता कौन हटा दे हिम्मत किसे की फिर मने पीली विषय फूक देंगे दारू पिए रहा मैं पड़ा बात सुन लाई तो इतनी दारू मेरा बाबू ने पी थी। अच्छा खर्चा इतनी दारू आज मन ने पी ली। शरम आवे तेरे पूरा लुगाई छोरी आवे जावे है शरम नहीं आंदी इनती उत्ता ने धंधा को नहीं करया धंधा इन पे हेलो रास्ते पे ले रे लुगाई छोरी आवे फालतू नहीं बोलिए फेंक दूंगा साले का मारूंगा कान में रजवाएं बका दूंगा साले खड़े हो दादा है तो मारूंगा अपने साले चले रजवाएं बका दूंगा मेरे साले ने लुगाई छोरी का काम है मेरे इजाजत बिना उड़ाओ कुकर टप गए उड़ा का दादा हूँ मैं दादा एक टपिए उड़ाओ कुकर टपेंगे मैं ये पड़े उड़ा का मुंदा मरे बटे सिर होने ना पड़े रवा उरे कौन टपागा पूरा का दादा हूँ मैं दादा हाँ आ जा तन्ना कौन टपन दे राशन कार्ड है राशन कार्ड दिखा राशन कार्ड दिखाऊं भाई हाँ दिखा हाँ ठीक सा जा भाई तो जा कड़ा ले जा रहा है इसे डंड का ना इसका राशन कार्ड दिखा क्या यार ये शराबी भी साले अनुशासन में नहीं रहते दिमाग खराब कर दिया अरे भाई साहब कहते हो तो नीचे उतर लूं तुम भी उतरे अरे तेरे लुगाई ने भी नीचे उतारा मैं दिखाता हूँ तेरे को फौजी लाइसेंस साले अनुशासन में भी नहीं रहना है चाहते हैं बड़े आए दिमाग खराब करने वाले साले कुत्ते इधर आओ इधर आओ इधर आओ अरे साले कुत्ते अब रोता खड़ा हो खड़ा हो अरे रोते क्यों हो फौजी साहब
ऐसा मेरा बाबू पिटा था, अरसा आज मैं पिटा हूँ। अरे रास्ता छोड़ो, बोला अरे तुम्हारे घर वाले बहुत नालायक हैं, उनको आदमी की इज्जत करने का नहीं पता। क्यों हो गया? अरे होना क्या था, बहुत नालायक है, गंदे हैं, मक्कार हैं, हरामी हैं। बीज मरने भीतर मर ले, गाल में क्यों पर डाल लग रहा है? मैंने बोल दिया ना, तुम्हारे घर वालों को आदमी की इज्जत करने का कोई पता नहीं। चलो बीज मरने बिजली पड़ रही है, सारे बरड़ 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 कर आया है। सुनो ध्यान से, तुम्हारे घर वाले बहुत नकली आदमी है। अरे बड़े नंगड़ हैं, उनको आदमी की इज्जत नहीं करनी आती। बैठ जा भला, जब बोल लिए बैठ जाऊं। अनुशासन से बैठो, ये थैला ऐसे रखते हैं, उठा यहाँ से। तेरे तो अनुशासन नहीं सी तीसी कर दी मारी। बहुत गंदे आदमी है तुम्हारे घर वाले, बड़े मक्कार है साले कुत्ते हराम जादे। इमो या भी होगा? अरे होना क्या था, मैं तुम्हारे घर गया, 100 रुपए के केले लेके गया, और आते वक्त तेरी मम्मी ने पता क्या किया? क्या करया? 10 रुपए दे दिए, 10 रुपए। तू मने नू बता, तू उड़ा मन्ने लेने का था, केले बेचने का था। अरे चुप रहो, बड़ी आई सब्जी मंडी वाली। गनी बरड़ बरड़ तो करा ना, पजाबा रहे उस तमिले। अरे पजाबा, बड़ा अनुशासनहीन आदमी है वो तो। और वो क्यों आ रहा हमारे घर? अगर यहाँ आ गया तो यहाँ दाएं बाएं देखेगा, मैं खुद जाता हूँ। अरे फौजी, तू मना रहा, मैं टकर गया, मैं तेरा घर आ जाऊंगा। अरे क्यों जा रहे थे हमारे घर? क्या रखा हुआ हमारे घर? रखिया रुखिया तो के है, माँ बाप भी आ रही थी, उसका हल्का खाया थे, चूरमा कसार है। अरे वो तो मैंने खा लिया, तू चिंता मत कर, समझ गए? अरे यार पजाबे, बड़ी दर्द भरी कहानी है यार, तू बड़ा अनुशासनहीन आदमी है, मत पूछ यार। रहने दे यार, मैं चलता हूँ। बताया तो दो। अरे क्या बताना था साले, ये पाकिस्तानी बड़े हराम जादे हैं। क्या दे? अरे हमारी लड़ाई हो गई भाई बॉर्डर पे। हाँ बॉर्डर पर सालों ने क्या किया, एक कुआ था, अच्छा, उसके ऊपर घास फूस रख दिया कुआ का ऊपर। हाँ, उस लड़ाई में जैसे इधर उधर हुए हम, हाँ, वो घास दिखाई नहीं दिया मेरे को और मैं कुएं में गिर गया। कुएं में? हाँ कुएं में गिर गया। फौजी साहब, कुएं में तो लिकड़े के ऊपर गिरा हुआ। अरे निकलना कैसे था यार पजाबे, बड़ी दर्द भरी कहानी है। जब मेरे जो सीनियर ऑफिसर थे आप तो बटे, हाँ, उन्होंने देखा कि भाई हमारा जवान कुएं के अंदर गिर गया। अच्छा, एकदम से रस्सा लेके आए, रस्सा कुएं में डाल दिया उन्होंने। अच्छा, और मेरे से बोले भाई रस्से को पकड़। मैंने रस्सा पकड़ लिया और जो मेरे सीनियर ऑफिसर थे वो मेरे को खींचने लगे। हाँ खींचते 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 मेरे को ऊपर तक ले आए। अच्छा, हाँ जब मैं बाहर आ गया कुएं से नहीं निकला हूं अभी तक। अच्छा, नाड़ ऊपर आ गई तेरी। हाँ, मैंने देखा कि भाई मेरे सामने मेरे सीनियर ऑफिसर हैं। अच्छा, मैंने सलूट मार दिया। हे क्यों या फौजी साहब, और मैं दोबारा से फिर कुएं में गिर गया। अरे फिर तू कुआ में लिकड़िया क्यों कर? अरे मत सुन यार पजाबे, बड़ी दर्द भरी कहानी है यार, मत सुन। तो फौजी साहब आप तो जमा दिमाग खा लो, तू सीधा नहीं बताया दिन लकड़िया क्यों कुछ मत है। अरे सुन, आवाज को नीचे रख, ध्यान से सुन। जब मेरे जो सीनियर ऑफिसर थे आप तो बड़े, हाँ, उन्होंने देखा कि भाई गड़बड़ है, दोबारा अगर हम खींचेंगे ये फिर सलूट मारेगा हमको, इसलिए इससे जो जूनियर है मेरे से छोटे अफसर है उनको बुलाया जाए, वो रस्सा खींचेंगे, ठीक है, ताकि इसको सलूट ना मारना पड़े। तो क्या हुआ भाई, मेरे से जो छोटे थे जूनियर थे मेरे से, हाँ, वो बुलाए भाई फौजी भाई। अच्छा,
और उन्होंने भी रस्सा फेंक दिया। मेरे से बोले भाई रस्सा पकड़, मैंने भी रस्सा पकड़ा खींच के और मेरे को वो फिर ऊपर ले आए। अच्छा, जब मैं कुएं से बाहर अभी भी नहीं निकला हूँ मैं, और मैं थोड़ा सा बाहर नाट निकली। हाँ, तो मेरे जो जूनियर थे नी छोटे, हाँ, उन्होंने देखा कि भाई हमारा बड़ा अफसर आ गया, फिर उन्होंने रस्सा छोड़कर उन्होंने सलूट मार दिया। अरे निकलना क्या था, फिर तो गांव वाले आए, आए सब ट्रैक्टर लेकर खींच कर बाहर डाल दिया मेरे को। अरे भाई पजाबे, अरे तुम भी तो लगड़ाते चल रहे हो, तुम्हें क्या हुआ? फौजी साहब, मैं तो रात ना कुत्ती ना बैठ लिया। अरे तुमने क्यों छेड़ी थी? तारा वास्ता नाचूं था। मेरी तो किस्मत बूट रही है, ना तो ब्याह होता और ना कोई छोरी पड़ती, कोई तो ऐसा मिला है जिसके लिए फैमिली की प्लानिंग करूं मैं। गणा जी करा था सेल्फी लेने तेरा, मन तो लागे तो ना पसंद आ गया। चल फिर तेरे ब्याह की बातें कर लिया। ना ना पागल है के, बस मन तो उसका डांस पसंद आ रहा था। चल देखा तो बल के बला हुआ। चल अरे बहुत जोर का डांस करा है। मैं बहुत बड़ा डांसर हूँ, बड़े बड़े प्रोग्राम के बहुत नाम लो। हाँ, जूते कितने खाए हैं? जूते जाते कौन खाए मना, मना तो बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम कर रखे है। डांस तो बहुत एंडी करा तू। नू करीब है, तेरा नंबर दे दे अपनी सेटिंग हो सके। ओ जबान संभाल के बात करे, हम बचपन के दोस्त हाँ, बचपन तो एक साथ रहे हाँ। फिर करवा दे फिर सेटिंग। कुछ कमाया करा है? रुपये तो मेरे इतने है, बहुत घने रुपये अलमारी में सड़ा है, बड़े बड़े चांदी की थाली में खाऊं मैं। सकल तो इसी ले रहा है जनू पड़ोसी है डोलू बरगी। मेरा दम ना उड्डी गाड़ी में घूमू मैं, 1000 रुपया सैंपो बिना नहांदा भी नहीं मैं। आई एम वेरी रिच। अच्छा तू नहावे भी है? बात सुन मैडम, मेरे तो रहनी बड़े बड़े रिश्ते आए हुए है, मैंने को नहीं लिए, फिर भी मेरे तो रहे नहीं, आलिया भट्ट का भी रिश्ता आया है, पर मैंने मना कर दिया तेरे चक्कर में। वाह, आलिया भट्ट का रिश्ता आया बड़े चलो तो। मना है नहीं, मना कर दिया, मेरा पसंद कौन थी, मेरा तू पसंद है, मैं तेरे के लिए ब्याह करूंगा। अच्छा फिर करवा दे इसके लिए टंग का फिटी बे। और तो और है, मारे इतने बड़े कमरे है, एक कमरा में जा दूसरा कमरा में जाने वास्ते बाइक चाहिएगी। तो हमने मेरे के लिए बात करके है नहीं, मेरा कर्जा ठंडा कर दिया, ये वह नहीं मैं तेरी दोस्त के लिए शादी करूंगा। अच्छा जी ठीक है, इब तो मैं जाऊं, तो हमने कुछ सोचा तो बता दियो। मन्ना तो अमीर लग गया, मन्ना तो ठग लग गया। चल इसको पीछे पीछे देखेंगे। चल चल देख ले इसका मैल। गया किती वो गाड़े आवारा हूँ। आसमान का तारा हूँ आवारा हूँ। देख तेरे मुखमल की गद्दी
देख चांदी की थाली। मैं देख उसके दस दस नौकर चालन ला रहे, देख मैं देख गंदा ही रहे। अब भी खा लियो, अब भी शाम ना खाऊंगा। घर बार नहीं संसार नहीं मुझसे, किसी को प्यार नहीं मुझसे, किसी को प्यार नहीं। उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं। कौन था नहीं मैं सही है पांक। चल रोवा ना, उन्हें सबक सिखावांगे। चल घर बार नहीं संसार नहीं मुझसे, किसी को प्यार नहीं मुझसे, किसी को प्यार नहीं। उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं मुझसे, किसी को प्यार नहीं। रो देख रो ना। नीचे उतर, तेरा रिश्ता पक्का करांगे। ये रिश्ता करने की जगह है के? अरे 3000 रुपया वाला शैंपू कित गया। हां शैंपू 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 आन लाग रहा है। जा 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 मैं तू नु कहते देखे मेरे के ना। अरे ये बता तेरे लोग कितने पीछे हैं। पीछे पीछे बहुत है मेरे लोग है। मेरे यानी जांच कैंसिल हो रहा है, नहीं तो मैं इबना उमर नहाने की मैंने रहनी चौतरे। मैं तो तेरे घर कैन देखना आई थी, नू देखू थी तू के काम धंधा करे है। मेरा घर बार देख के एक रहेगी तू। अपना रिश्ता हो रहा है, तू क्या तो मारा है। मारती कौनी, लाड़ तो हूँ। लाड़ तो बाद में करिए, पहले हम सेटिंग तो कर ले मेरे गला। कर लिया पसंद है, मैं ऊपर भाज जा है। जो अपन जानता हो वरना इतने ऐसे मजाक को नहीं करे। ये किसी वाला मजाक नहीं करेगा। चल ठीक से भी चल गया, चल लाए। केक कर लिया सर। अरे क्या करवाएगी तू? केक करने जोगा है तू? किसा मानस है तू? मेरी बेबे ने 2 दिन हो गया आई ने, तू मुंह तभी ना बोल लिया। क्या बोलना उसके साथ? मेरे पास फालतू जख मारने का टाइम नहीं है। बीज मरने तू तो जमा पागल दिमाग का है। तने नु मेरी बेरा साली के चीज हो है। अरे जानता हूँ बराबर जानता हूँ। वो भी तो अनुशासन में रहकर बातचीत कर सकती है। के अनुशासन तोड़ दिया उसने? अरे तोड़ा क्यों नहीं, कल जब हम दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे उसने बीच में टांग क्यों फंसाई? अच्छा बीच में बोलने का अनुशासन टूटता है? अरे क्यों नहीं टूटता है अनुशासन। अरे तू भी तो सारी यार बीच में बोल रहा हमारी। अरे पगली टांग क्या बीच में अड़ाने के लिए होती है? और टांग के करण खतरो है। जी राम राम। हेरे लाख कटिल्ली मुंह बटवासा, आंख कटिल्ली मुंह बटवासा, थी चंद्र मासी सान चक्कर आ गया रे जब गया तुमने हमारे बीच में ये नोटबुक उड़ाई, कुछ और भी तो उड़ा सकती थी। अनुशासन नाम की तो चीज ही नहीं है। मैं बताऊं जीजा टांग क्या हाथ रो है? अरे चुप रहो, बड़ी आई टांगों के बारे में जानकारी देने वाली। ज्यादा भक भक करोगी तुम्हारी और इनकी दोनों की टांगे तोड़ दूंगा मैं। टांग जीजा किसी की टांग तोड़ेगा तू? ए बेबे रहने दे, क्यों माथा मारा है इसकी गेलिया? बोलन चालन का तो सदाई का न्यू है यू। अरे कौन पिएगा इसके हाथ की चाय? दूध बना ले जीजा। हाँ ये बात ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। मेरे खातर को चाय बना ले, इस खातर दूध का गिलास लिया, ये दूध पी का घर लगाई पानी। अरे सुनो लिमिट में रहो, ज्यादा अगर मगर करोगी तो तुम्हारे छक्के छुड़ा दूंगा। जान देगा तू, मैं इसका चुपदा होगा तो तेरे पर छुटा नहीं जाता, छक्के छुटा होगा।
अरे यहाँ क्या जग मारने आई हो, दुकान से जाकर ले लो। ए बोली बेबे, इसके गेला क्यों माथा मारा सा है? ओ फ्रिज में धरया दूध तोड़ी करके बना लिया, मैस भी बयान न हो रही है, मन्ने वो सारी रात उसकी संभाल रखनी पड़ेगी, यो बीज मरना तो कोनी सो उसके दो रहा है। अरे कौन सोएगा उसके साथ? ओ जीजा, मैस के लिए ना सोवे तो काट के दर सो जाइए। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है, उसके साथ कौन सोएगा? साला काला कलूटा लपलपा जीबला। और तुम सुनो, तुम अपने ड्यूटी पर रहो, तुम्हारी चाय वही पहुंचा दी जाएगी। चलो ठीक है सर, मैं इस बयान दो रही, मैं तो उसकी संभाल करूं सुन, और बेबे मेरी चाय उड़े पचा दिए। जाओ जाओ। अरे तुम सुनो, अनुशासन में रहना है, रसोई में कोई बर्तन कभी इधर कर दो कभी उधर कर दो, ठीक है ना? जाओ। मैं बताऊंगी अनुशासन की चीज होगा, या मेरी गोली। अरे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ रखो दूध को। हाँ ऐसे रखो और जाओ। अरे दूध पी के चित जावेगा, फिर बताऊंगी इसने अनुशासन की चीज होवे है। फौजी साहब राम राम। राम राम भाई, राम राम, बैठो। फौजी साहब मदद काम आ रहा था। अरे भाई यहाँ पर तो जो आता है सब काम वाले आते हैं, काम के बगैर यहाँ कोई नहीं आता, मेरी साली भी काम पर आई हुई है। अच्छा फौजी साहब साड़ी आई है? हाँ साली आई हुई है भाई, तो ना मुंह मावीन दिखाया उसका। अरे क्या लगा हुआ है मेरी साली के मुंह को, और वो तुम्हें क्यों देखना है? ओ फौजी साहब साड़ी सुड़िया के ना सिमजाक करे लिया करे। ठीक है काम बोलो। फौजी साहब अपने गाल में है नी, एक कुत्ती मरी पड़ी है। क्या संबंध है तेरा उस कुत्ती के साथ? अरे क्या करेगा तू उस मरी हुई कुत्ती के साथ? करूं के था फौजी साहब, बांस आओगी उसकी खड्डा खोद कर दाब दूंगा। अरे वेरी गुड बहुत अच्छे, अरे ये तो समाज सेवा का कार्य है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अरे तुम्हारी सेहत बड़ी अच्छी हुई, अरे चाय तो नहीं पीते तुम? ना फौजी साहब। दूध पीते हो ना? हाँ। वेरी गुड, दूध पीना चाहिए, लो ये दूध पियो। बस फौजी साहब दूध तो ता है पीवा। हाँ। अरे हमारा क्या भैंस का पीता होगा, लो ये पियो। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। फौजी साहब तोड़ करके कसी लिया, वो कुत्ते ने दाब आऊंगा। ठीक है तुम ऐसा करो, मैं कसी को ढूंढता हूँ, तब तक तुम मेरा वेट करो, ठीक है ना? बिना पिए भी कहीं है जिसे गुजरता है नशा, नशे में कान नहीं है मुझे तुम्हारी, और दूसरी गलती तुम्हारी।
भाई तुम क्यों नहीं जागे? सुनो, क्या हाल मचा रखा है ये? अरे ये तीन तीन चार पाई किस लिए बिछा रखी है? कौन कौन सोता है इन पर? कौन सोना था? एक पे छोरा सोए है, एक पे तेरी माँ सोए है, एक पे मैं सोऊं। तू और मेरी माँ एक चार पाई पर नहीं सो सकती? मैं तेरी माँ के दोनों सोऊंगी। और तू सलमान साथ के साथ सोएगी? यार दिमाग खराब कर दिया, अनुशासन नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। सीधी खड़े रहो, सीधी खड़ी हो। सीधी खड़ी हो, ये फौज का रूल है, सावधानी से हाथ नीचे करो। अपनी फौज में अपने दौरा रखा करे, घर तो रहिया का डरता है। संभालने तेरे ढूंढना है, मैं तो जाऊं डांगर संभालने। ठीक है जाओ, अनुशासन में जाना है और अनुशासन में आना है। बड़े आई साले, सारा अनुशासन खराब करके रखा हुआ है। ये देखो, अरे ये कोई पैंट रखने की जगह है? इस पैंट को यहाँ भी तो टांग सकते हो क्या यार? वो देखो कंघा भी गिर गया। क्या यार, कोई डिसिप्लिन नहीं घर में? चारपाई कहाँ रखी हुई है, कहाँ पर तकिए रखे हुए हैं? ये देखो एक जूता इधर है, एक पता नहीं कहाँ गया, साला गायब हो गया। चलो मैं सारा काम सेट करता हूँ। आप जता कुछ, कमरे की सफाई तो हो गई। अरे तेरी भी सुनूंगा, पहले इस कमरे की सुन रहा हूँ। देखो कितना सुंदर बना दिया। अरे सुन सुन, बैठ जाओ आराम से। एक बात बताओ, जब ये चारपाई पर बैठने के लिए जगह है तो तुम इस चारपाई को क्यों तोड़ रही हो? खड़े हो, इधर बैठो आकर के। मेरी भी सुन ले जो कोई। अरे सुनूंगा सुनूंगा तुम्हारी भी। ये बताओ ये गाड़ी कब ली? तू भी न रहे पागल से। गाड़ी दिखाया, बाल का बखल होना है यू। अरे जिन वस्तुओं के पहिए लगे होते हैं वो गाड़ी की श्रेणी में आ जाते हैं। गाड़ी को पार्क करो खाट के नीचे। अनुशासन से। हाँ आप बोलो, क्या पक रही थी? के पकू थी मांसबाज की। क्या बोला? मांसबाज की। अरे किसके साथ भाग गई? बाजा थी किसके गले फड़क गई। फड़क गई? अरे किसने फड़का दी? कौन फड़का था? आप पे फड़की। क्या यार साली भैंस, अनुशासन में नहीं रह सकती क्या वो? बीच मरे ने, मैं सने के मेरा अनुशासन का। अनुशासन का नहीं पता तो उनको फड़कने का कैसे पता लग गया? बनाती है, आराम से सो जाओ। वो भैंस रात भर बाहर रहेंगी तो हेकड़ी निकल जाएगी। हेकड़ी तो मारी निकल जाएगी दूध बिना। अरे अपनी छोटी गाड़ी का तो पांव में भी दर्द था। पैर में दर्द था? अरे तो उस साली कटड़ी को सोचना चाहिए था, वो क्यों गई उनके साथ? वो घर पर भी तो रह सकती है। साले यार क्या बात है, अनुशासन नाम की तो चीज ही नहीं है। सो जाओ आराम से। और सुनो, रात को मेरे को डिस्टर्ब मत करना, डिसिप्लिन से सोना है। चलो वो तो लिया शासन सांस। अरे शासन सांस नहीं, अनुशासन। हाँ ठीक है, उन खोले तो ले जाके। अरे कौन ढूंढेगा इतनी काली रात को? साली रात भी काली, भैंस भी काली, अंधेरा भी काला, कटड़ा भी काला। आराम से सो जाओ, डिसिप्लिन से सोना है। रात को मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना, डिसिप्लिन से सोना है। ओ काका। अरे कौन चिल्ला रहा है? यहाँ कोई भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है, आराम से बोलो। ओ काका। अरे रुक, उन भैंसों को बोलना वो बाहर ही रहे, हमने गेट बंद कर लिया है।
कल आना। खा ये फौजी ने, बीज मरना मैं सने भी नहीं कहा, कल आइए। अरे गुस्सा क्यों होती हो, इधर आओ। पहले मेरे को ये बताओ, अरे वो भैंस किसने भड़काई? भड़का कौन था, आप पे भड़की। अच्छा ये बताओ, तालाब पर कौन लेके गया? आप पे गई। उनको पानी किसने पिलाया? आप पे पिया। एक बात समझ में नहीं आई, जब वो चारा आप खा सकती हैं, पानी आप पी सकती हैं, वो अपनी मर्जी से फड़क सकती हैं, साली वो अपने आप बंद क्यों नहीं सकती? अपने आप क्यों करवाएगी बीज मरने? अरे ये तो उनकी टेंशन है, तो आराम से सो जा, बड़ी आई पंचायती। ये भगवान, मेरा तो कर्म फोड़ दिए। किसने कर्म फोड़े? भगवान ने फोड़ दिए। तो भगवान को गाली दो ना, मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो? जाकर खोल ले ना, बांध जा। नहीं नहीं मैं नहीं बांधूंगा, ये फौज का रूल है, जो गलती करेगा वही भुगतेगा। ये भगवान ने, बड़े पागल आदमी के ला पल्ला पड़ा है। कौन है पागल? तू है पागल है। तो फिर मुझे कोस ना, भगवान को क्यों गाली दे रही है? अनुशासन भैंसों ने तोड़ा है, मैंने नहीं। तो आराम से सो जा। ये भगवान है, किस आदमी पल्ले पड़े पागल है? कौन है पागल? तू है पागल है। तो फिर भगवान को क्यों गाली दे रही हो, मुझे कोस ना। मन लाल याई साहब, मैं इसमें नहीं बांधनी पड़ेगी, तू सो जा, मैं इसमें बांध पाऊँ। ठीक है तू जा, और उन साली भैंसों को बोलना ये तुम्हारी पहली गलती थी इसलिए माफ कर दिया, दोबारा गलती करोगी, अनुशासन तोड़ोगी तो घर में नहीं घुसने दिया जाएगा। तन्ने समझाना तो मैं ऐसा के बीन बजाना है। अरे बीन तो पुरानी होगी, तू जा और भैंसों के आगे डीजे बजा, तू भी डांस कर और भैंस भी डांस करेगी। हाँ उस छोटी काटड़ी को बोलना कि वो डांस ना करे, क्योंकि उसके पैर में दर्द है। निचला मडेरो, खोपड़ी में कुछ नहीं छोड़ा, मैं तो नू नहीं समझ मानती, ये सरकार तो बल्ला की पड़ रही है, तू ऐसा है कि सारे फौजी से हुए हैं। अरे क्या बक रही हो, सारे फौजी एक जैसे अनुशासित होती है, और सुनो अगर सरकार हमें निकाल दे तो इस देश की रक्षा कौन करेगा? बीज मरना, खोल जाके तो रक्षा करी, नहीं जाने देश की रक्षा करेगा यू। अरे गुस्सा क्यों होती हो, बैठ जाओ, इधर बैठो, मैं समझाता हूँ तुम्हें। हाँ बोल, क्या कहूँगा? अरे सुनो, अरे तुमने भैंसों के मैटर में देश को कहाँ घुसा दिया? यदि देश के लोग भैंसों की तरह अनुशासन तोड़ेंगे, सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं करेंगे, जात पात का जहर घोलेंगे, भ्रष्ट बनेंगे, तो इस देश को हम फौजी क्या कोई भी नहीं बचा सकता, इसलिए हम सबको अनुशासन में रहना चाहिए, जो अनुशासन तोड़ेगा वही भुगतेगा। ओहो फौजी, यह बात तो तने जमा सच्ची कही फौजी, जमा तोड़ पाड़ दिए, मैं तो तेरे तो मुए नाराज हो रही थी, मैं तो भगवान के गुण गाऊं सू जो तेरे वर्गा मिला मने, तने तो जमा मजा दे दिया। अरे मजा किसने दिया? तने दिया। तो भगवान के गुण क्यों गा रही हो, मेरे गुण गाओ ना। तेरे भी गाऊंगी, पहले उनमें सन बांध आऊ। अरे रुको, इधर आओ। ईब के कहूंगा? मेरे सामने खड़े हो जाओ, सीधे खड़े हो, मेरे को और इन दर्शकों को एक प्यारा सा सलूट दो, सीधे खड़े हो जाओ, जय हिंद। ईब तो बांध आओ खोले में। ठीक है बांध आओ, और उन साली भैंसों को ये बोलना कि अनुशासन में रहें। चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। अरे तुम्हारे घर वाले बहुत नालायक हैं, उनको आदमी की इज्जत करने का नहीं पता। क्यों हो गया? अरे होना क्या था, बहुत नालायक हैं, गंदे हैं, मक्कार हैं, हरामी हैं। बीज मरने भीतर मर ले, गाल में क्यों पर डाल लग रहा है? मैंने बोल दिया ना, तुम्हारे घर वालों को आदमी की इज्जत करने का कोई पता नहीं। चलो
मरने बिजली फट रही है सारे रा बरड़ 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 करता आया है देखियो गैस का। सुनो ध्यान से, तुम्हारे घर वाले बहुत नकली आदमी है। ओया केनू तो बता दे बीज। अरे बड़े नंगड़ हैं, उनको आदमी की इज्जत नहीं करनी आती। बैठ जा भला, जब बोलिए बैठ जाऊं। अनुशासन से बैठो। ये थैला ऐसे रखते हैं, उठाओ यहाँ से। तेरे तो अनुशासन नहीं सीती सी कर दी मारी। बहुत गंदे आदमी है तुम्हारे घर वाले, बड़े मक्कार है साले कुत्ते हराम जादे। इमो अभी होगा। अरे होना क्या था, मैं तुम्हारे घर गया, 100 रुपए के केले लेके गया, और आते वक्त तेरी मम्मी ने पता क्या किया? क्या करया? 10 रुपए दे दिए, 10 रुपए। तू मने नू बता, तू उड़ा मन्ने लेन गा था, केले बेचन गा था। अरे चुप रहो, बड़ी आई सब्जी मंडी वाली। गनी बरड़ बरड़ तो करा ना, पजाबा रे उस तमिल ले। अरे पजाबा, बड़ा अनुशासनहीन आदमी है वो तो। और वो क्यों आ रहा हमारे घर? अगर यहाँ आ गया तो यहाँ दाएं बाएं देखेगा, मैं खुद जाता हूँ। अरे फौजी, तू मना रहा, मैं टकर गया, मैं तेरा घर आ जाऊंगा। अरे क्यों जा रहे थे हमारे घर? क्या रखा हुआ हमारे घर? रखिया रुखिया तो के है, माँ बाप भी आ रही थी, उसका हल्का खाया थे चूरमा कसार। अरे वो तो मैंने खा लिया, तू चिंता मत कर, समझ गए? अरे यार पजाबे, बड़ी दर्द भरी कहानी है यार, तू बड़ा अनुशासनहीन आदमी है, मत पूछ यार। रहने दे यार, मैं चलता हूँ। बता तो दो। अरे क्या बताना था साले, ये पाकिस्तानी बड़े हराम जादे हैं। क्या दे? अरे हमारी लड़ाई हो गई भाई बॉर्डर पे। हाँ बॉर्डर पर सालों ने क्या किया, एक कुआ था, उसके ऊपर घास फूस रख दिया कुआ का ऊपर। हाँ, उस लड़ाई में जैसे इधर उधर हुए हम। हाँ। वो घास दिखाई नहीं दिया मेरे को और मैं कुएं में गिर गया। कुएं में? हाँ कुएं में गिर गया। फौजी साहब, कुआ में तो लिगड़े के ऊपर गिरा आप। अरे निकलना कैसे था यार पजाबे, बड़ी दर्द भरी कहानी है। जब मेरे जो सीनियर ऑफिसर थे आप तो बटे। हाँ, उन्होंने देखा कि भाई हमारा जवान कुएं के अंदर गिर गया। अच्छा। एकदम से रस्सा लेके आए, रस्सा कुएं में डाल दिया उन्होंने। अच्छा। और मेरे से बोले भाई रस्से को पकड़। मैंने रस्सा पकड़ लिया और जो मेरे सीनियर ऑफिसर थे वो मेरे को खींचने लगे। हाँ, खींचते 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 मेरे को ऊपर तक ले आए। अच्छा। हाँ, जब मैं बाहर आ गया कुएं से नहीं निकला हूं अभी तक। अच्छा, नाड़ नाड़ ऊपर आ गई। हाँ, मैंने देखा कि भाई मेरे सामने मेरे सीनियर ऑफिसर हैं। अच्छा। मैंने सलूट मार दिया। हे क्यों या फौजी साहब, और मैं दोबारा से फिर कुएं में गिर गया। अरे फिर तू कुआ में लिखड़िया क्यों कर? अरे मत सुन यार पजाबे, बड़ी दर्द भरी कहानी है यार, मत सुन। तो दिमाग खा लो तू, सीधा नहीं बताया दिन लकड़िया क्यों करूँ मत है। अरे सुन, आवाज को नीचे रख, ध्यान से सुन। जब मेरे जो सीनियर ऑफिसर थे आपका बड़े, हाँ, उन्होंने देखा कि भाई गड़बड़ है, दोबारा अगर हम खींचेंगे ये फिर सलूट मारेगा हमको, इसलिए इससे जो जूनियर है मेरे से छोटे छोटे अफसर है उनको बुलाया जाए, वो रस्सा खींचेंगे, ठीक है, ताकि इसको सलूट ना मारना पड़े। तो क्या हुआ भाई, मेरे से जो छोटे थे जूनियर थे मेरे से, हाँ, वो बुलाए भाई फौजी भाई। अच्छा। और उन्होंने भी रस्सा फेंक दिया, मेरे से बोले भाई रस्सा पकड़, मैंने भी रस्सा पकड़ा खींच के और मेरे को वो फिर ऊपर ले आए। अच्छा। जब मैं कुएं से बाहर अभी भी नहीं निकला हूं मैं, और मैं थोड़ा सा नाड़ नाड़ निकली। हाँ, तो मेरे जो जूनियर थे नी छोटे, हाँ, उन्होंने देखा कि भाई हमारा बड़ा अफसर आ गया, फिर उन्होंने रस्सा छोड़कर उन्होंने सलूट मार दिया। अरे निकलना क्या था, फिर तो गांव वाले आए, आई सर ट्रैक्टर लेकर खींचकर बाहर डाल दिया मेरे को। अरे भाई पजाबे, अरे तुम भी तो लगड़ाते चल रहे हो,
तुम्हें क्या हुआ? फौजी साहब, मैं तो रात ना कुत्ती ना बैठ लिया। अरे तुमने क्यों छेड़ी थी?